हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ IFSC एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो मैंने पेपर की कटिंग लगाई है वो इसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में, तो मैं आपको ये पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या आपको पता है 1969 तक हमारी कंट्री में कोई भी बैंक गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि सारी की सारी बैंक प्राइवेट हुआ करती थी। मतलब एक भी बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का कोई तरह का कंट्रोल नहीं था। यस दोस्तों, तो इस वजह से यहां पे लिखा है कि टिल 1969 जो बैंक थी ना वो प्राइवेट पीपल के कंट्रोल में हुआ करती थी, जिस वजह से वो लोग ना जितनी भी बैंक थी 1969 से पहले सारी की सारी बैंक पैसा कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही देती थी। मतलब कि सबको नहीं लोन देती थी, जो अच्छे खासा बिजनेस लेके बैठे उनको सबसे पहले प्रीफर किया जाता था, उनको ही सबसे पहले लोन दिया जाता था। यहां पे क्रेडिट का मतलब है लोन देना, ठीक है। आगे बात करें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन सबको नेग्लेक्टेड यानी कि इग्नोर किया गया। उन लोग पे जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उनको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी पैसा चाहिए उनके बिजनेस चलाने के लिए, तो उनको जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पे जो रूरल सेक्टर था, यानी खास करके बात करें गांव की बात करें, तो गांव के अंदर भी जो क्रेडिट होता है, मतलब जो पैसा लोन मिलना चाहिए गांव के अंदर भी, वो भी नहीं मिल पाता था। और ठीक है, 19 जनवरी 1969 तक कोई भी बैंक गांव के अंदर लोन देती ही नहीं थी लोगों को, खाली शहर में ही लोन दिया जाता था। तो इस वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो पार्शियलिटी हुई, क्योंकि बैंक में जो पैसा आता है ना वो बैंक के अकेले का नहीं है, हम जैसे लोगों का है। हम लोग सब लोग जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक का खुद का वो पैसा नहीं है, वो सब हमारा पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों को ही दे, बैंक को लोन सभी को देनी पड़ेगी, ठीक है। बट पहले ऐसी पार्शियलिटी हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो बहुत गलत सिस्टम चल रही है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल कंट्रोल्स को इम्पोज किया, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया। मतलब 14 बैंक्स जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई। और यहां पे देखो, मैं यहां पे लिखा हुआ भी है कि लिस्ट ऑफ बैंक नेशनलाइज्ड इन 1969, ये 14 बैंक है जो किस में आ गई, गवर्नमेंट के अंडर आ गई। और यहां पे लिखा भी है जुलाई 19 इज ऑब्जर्व्ड एज बैंक नेशनलाइजेशन डे इन इंडिया। मतलब जुलाई 19 को बैंक नेशनलाइजेशन डे माना जाता है, बिकॉज 1969 के अंदर 14 बैंक जो थी वो अब गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी और ऑर्डिनेंस पास हुआ था पार्लियामेंट ने, उसके बाद जाके ये पूरा स्टेप लिया गया था, ठीक है। और बाद में जाके 1980 तक ये बैंक कितनी हो गई, 21 हो गई। मतलब ये 14 बैंक जिसमें SBI है, काफी सारी बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से 14 बैंक किसमें आ गई, प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट से गवर्नमेंट के अंडर आ गई। बोलो क्लियर हुआ। इंडिया के अंदर जो बैंकिंग का बिजनेस है, मतलब वो एक वॉर की तरह था प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, कि वो लोग ना लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि वो लोग कंपटीशन करते थे कि कौन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। और वो लोग लोन जो है वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से लेते थे। मतलब कि से फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसको लोन चाहिए, ठीक है, तो लोग जितनी भी बैंक थी ना वो रेस में थी कि हम लोन देंगे। तो इस वजह से वो बिजनेसमैन का फायदा होता था, क्योंकि बिजनेसमैन लोन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लेता था, ठीक है। इसलिए रूरल सेक्टर पे तो कोई ध्यान ही नहीं गया था उस टाइम पे। हाँ, एक टाइम था कि उस टाइम पे 1969 से पहले SBI एक थी जो कि ध्यान देती थी रूरल सेक्टर पे, वो भी बहुत कम। बट ज्यादातर बैंक SBI के अलावा ज्यादातर बैंक कौन सी थी, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट के अंडर एक भी नहीं थी, ठीक है, SBI के अलावा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जितना भी मैनेजमेंट है 14 बड़ी कमर्शियल बैंक का पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले, और उन्हीं बैंक को बाद में जाके नेशनलाइज्ड बैंक कहा गया, ठीक है। तो नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है, तो कोई भी बैंक जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर हो उन बैंक को नेशनलाइज्ड बैंक कहा जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहा गया। बोलो क्लियर हुआ। तो ये देखो, ये सारी बैंक की मैंने फोटो लगाई है, जो सारी बैंक क्या हो गई, नेशनलाइज्ड हो गई, ठीक है, और वो सारी बैंक किसके अंडर आ गई, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ गई। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको बता दूं कि जो हमारे BCOM SEM 3 का कोर्स है, जिसमें हम लोग टोटल आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं,
कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टेटिस्टिक, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और आईएफएस, ये पूरे कोर्स की प्राइस बहुत ही सस्ती है। अभी हम लोग ये जो प्राइस है 2399 उस पे अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी भी हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस पे आप लोग को ये कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, इससे भी बहुत कम, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो और जल्द से जल्द हमारी बैच में जुड़ जाओ। काफी सारे बच्चे हमारी बैच में पढ़ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है हमारी बैच से, हमारी सर्विस से। तो आप लोग भी हमारा पार्ट बने और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। नेक्स्ट आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कोई भी बैंक के नेशनलाइजेशन होने के, तो टोटल ये 6 ऑब्जेक्टिव है। 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि जो पहले थी ना वो सारी बैंक किसके कंट्रोल में थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस के। प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उन लोग को लोन चाहिए होता था, बस एक फोन कॉल करते बैंक के मैनेजर को, तुरंत लोन मिल जाती। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे बैंक के डायरेक्टर्स, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब इंडस्ट्रियल हाउसेस से कनेक्टेड थे, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन से कनेक्टेड थे ये लोग बैंक के डायरेक्टर्स। अब वो लोग क्या करते थे, उनको इजीली फाइनेंस दे देते थे। मतलब मान लो कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बैठा है और वो कॉल कर रहा है बैंक के डायरेक्टर को, बोले कि मेरे को भाई 100 करोड़ की लोन चाहिए, अप्रूव करवा दो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, अप्रूव करवा देते थे। इसमें ही तो वो पीएनबी का पूरा स्कैम बाहर निकला था, आपको पता ही होगा, विजय माल्या का, कि भाई प्रॉपर्टी कम थी उससे ज्यादा लोन दे दी गई थी, सिक्योरिटी के सामने लोन बहुत ज्यादा दे दी गई थी। ऐसी सारी बहुत सी चीजें चला करती थी पहले के टाइम पे, और इसी वजह से इसको हम लोग ना ऑथोरेटिव अप्रोच कहते हैं। ऑथोरेटिव मतलब क्या होता है कि बैंक जो है वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं, वो कुछ ही पर्टिकुलर लोगों को ही लोन दे रही है जो उनके दोस्त है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि बैंक के जो फंड है ना वो पब्लिक फंड होते हैं, बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो हम जैसे लोगों से वो पैसा ले रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा होना चाहिए, उसका डेमोक्रेटिक होना चाहिए, भाई लोन सबको मिलनी चाहिए, ना कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को। बैंक सिर्फ अपना फायदा देखती थी 1969 से पहले, बट नेशनलाइजेशन हो गया तो उसके बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो गया, डेमोक्रेटिक, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आ गया पूरा कंट्रोल। तो गवर्नमेंट सबको ही लोन देना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। आपको पता है 1969 से पहले एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं देता था, कोई बैंक रेडी नहीं था फार्मर को लोन देने के लिए। आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा, खास करके कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जवान, उसमें भी आपने देखा होगा कि भाई एक फार्मर ट्रैक्टर पे लोन लेता है तो उसको 13% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन बीएमडब्ल्यू कार ले रहा है तो उसको 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नुकसान फार्मर का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चला करती थी पहले के टाइम पे, बट अब बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान दे रही है और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि एग्रीकल्चर को, छोटे छोटे सेक्टर को सबको लोन मिले। इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे जीते हैं, अप्रोक्स 70%, ठीक है, ये डेटा थोड़ा पुराना है बट आप याद रख लेना 70% है। और 45% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से आती है, अब तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, डेटा थोड़ा पुराना है पहले ही का, बट 70% एग्रीकल्चर पे जीते हैं और 45% कंट्री की नेशनल इनकम एग्रीकल्चर से आती है। तो बैंक नेशनलाइजेशन होने से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को हार्डली 5.4% ही लोन मिलती थी। क्रेडिट का मतलब होता है लोन मिलना, याद रखना 5.4%, यानी कि 1969 से पहले 100 में से 5% ही सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को लोन जाती थी। तो बैंक का नेशनलाइजेशन का पर्पस क्या था, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट देना। आपको पता है आज की डेट में जो फार्मर्स है ना उनको आसानी से लोन मिल जाती है। देखो मैंने फोटो भी डाला है, कोई भी फार्मर आ रहा है चेक लेके जा रहा है, उसको आराम से लोन मिल जा रही है। इवन आपको पता है जो बैंक के एजेंट्स है ना वो हर फार्मर टू फार्मर, खेत टू खेत घूमते और बोलते हैं प्लीज आप लोन ले लो। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको टारगेट देती है कि भाई आपको फार्मर्स को इतनी लोन देनी है, मतलब देनी है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये तभी हो पाया जब बैंक क्या हो गई, नेशनलाइजेशन हो गया बैंक्स का। नेक्स्ट बात करें फाइनेंस टू स्मॉल स्केल सेक्टर। अब देखो कंट्रोल जो था ना वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बैंक का, अब पहले प्राइवेट के पास था तो स्मॉल स्केल सेक्टर जो था उसको पैसा नहीं मिल पाता था, और जो स्मॉल स्केल सेक्टर होते थे फिर पैसा कहां से लाते थे, मनी लेंडर्स, मतलब हम कहेंगे श्रॉप, साहूकार, इन लोगों से पैसा ये लोग ज्यादा भाव में, मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले आते थे। और आपको ये भी बता दूं कि खाली स्टेट बैंक थी पहले,
जो फंड्स देती थी स्मॉल स्केल सेक्टर को, वो भी बहुत कम था। अब देखना, बैंक जो थी वो पहले 8.3% क्रेडिट देती थी नेशनलाइजेशन से पहले, मतलब सोचो 100 में से सिर्फ 8% ही स्मॉल स्केल सेक्टर को पैसा मिलता था। मतलब स्मॉल स्केल सेक्टर में तो भाई कितने सारे लोग काम करते हैं, बस 8% ही उनको पैसा मिला करता था। तो फाइनेंस स्मॉल स्केल सेक्टर को अब ज्यादा दिया जा रहा है पहले के मुकाबले। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल टू इनफॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। अच्छा ये क्या होता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं। तो नेशनलाइजेशन से पहले जो पैसा था वो कुछ ही लोगों को मिलता था, मतलब कुछ ही स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल को मिलता था। अन्याय होता था भाई, ठीक है, कि कुछ ही लोगों को पैसा मिलेगा। तो जो छोटे छोटे वर्कर्स होते थे, एंसिलरी वर्कर्स, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे, उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए, बट उनको पैसा नहीं मिलता था। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते थे, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर इंजीनियर्स, इन सबको इंक्लूड किया गया बाद में, क्योंकि इनको भी जरूरत होती थी पैसे की बिजनेस करने के लिए। तो बाद में सभी को पैसा मिला, बट कब? नेशनलाइजेशन होने के बाद। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर। देखो नेशनलाइजेशन से पहले जो पैसा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता था प्रॉफिट कमाने के लिए। एक चीज सोचना, बैंक चलो मान लो प्रॉफिट के लिए ही है, बट वो सिर्फ यही देखती थी कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो, हर एक बैंक यही देखती थी। तो ऐसे केस में क्या होगा? सीधी सी बात है, कोई भी डिपोजिटर का इंटरेस्ट मेंटेन नहीं होगा। मतलब ये भी हो सकता है कि भाई उनके साथ कुछ गलत हो जाए। क्यों ऐसा होता था? बहुत सी पहले तो ऐसा भी होता था कि बहुत सी बैंक बंद भी हो जाती थी, मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया, रातों रात बैंक बंद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो नेशनलाइजेशन होने के बाद ये सारी बैंक को प्रोटेक्ट, मतलब इन सारे लोगों को जो भी डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को, उन सबको प्रोटेक्ट किया गया। आपको एक और फैक्ट बता दूं, पता है अगर कोई भी बैंक बंद हो जाती है या कुछ भी उसके साथ होता है, लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आपका बैंक में 5 लाख तक पैसा पड़ा है ना, तो आरबीआई आपको जिम्मेदार है, आरबीआई आपको पैसा देगी। 5 लाख तक की लिमिट है आपका कोई भी अकाउंट, मतलब 5 लाख से ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, बट अगर आपका बैंक में डिपॉजिट 5 लाख से कम हुआ तो आपको पैसा मिल सकता है। ये एक नया रूल आया है नेशनलाइजेशन के बाद। लास्ट पॉइंट की बात करें, टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी पहले एम्प्लॉयज की, भाई कभी भी निकाल दिया जाता था, कुछ भी सैलरी देते थे, कुछ फिक्स नहीं था। तो सैलरी भी बहुत कम थी और जो एम्प्लॉयज थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन था। तो बैंक के नेशनलाइजेशन की वजह से जो वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज की, वो अच्छी हुई है, इंप्रूव हुई है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो पाया है। तो इस तरह से टोटल इसके 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।